अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं अब्दुल मोहित व्लॉग्स और आज के इस व्लॉग में आपको आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि आज के इस व्लॉग में आपको मिलेंगे दो 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 सरप्राइज। ठीक है, पहले तो आप देखें मेरी वीडियो में मतलब क्लियरेंस आ रही है तो ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्लियरेंस आई कि नहीं आ रही। और आज के बाद आपको रोज़ वीडियो मिला करेगी और फुल इन्जॉय के साथ मिला करेगी, क्योंकि अब हम वो हरकतें करेंगे जिससे घर वालों को होगा मसला, पड़ेगी हमें छितर, लेकिन हम रुकेंगे नहीं और हम करेंगे अपनी मर्जियाँ। ठीक है, तो सबसे पहला सरप्राइज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि मेरे ख्याल से 90% लोगों को बहुत पसंद आएगा। ठीक है, इस हिसाब से मैं सरप्राइज लेके आया आप सब अपनी ऑडियंस के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना सरप्राइज। ले जी, ये है आपका पहला सरप्राइज, ये है कैटी। देखें, हाय बोलो, इसकी आईज चेक करें, ग्रे आईज हैं इसकी। और ये देखें, अभी इन्होंने खाना खाया है और अब ये मस्तियाँ कर रही हैं दोनों। एक ये है और एक वो छुपी हुई है, वो देखें। आज के इस वीडियो में हम इसका और इसका दोनों का हम नाम भी रखेंगे। पहला सरप्राइज तो मैंने आप लोगों को दे दिया और आज की इस वीडियो में हम इनका नाम भी रखेंगे, और जो दूसरा सरप्राइज है वो देखने के लिए आप मेरी वीडियो को फुल देखें, आप लोगों को इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैं नहा धो के तैयार होता हूँ, फिर नाश्ता करते हैं, क्योंकि इन लोगों को तो मैंने नाश्ता करवा दिया है और रात को जिन्होंने मेरे साथ किया ना वो भी मैं आपको बताता हूँ, मज़ा ही आया। उफ मैंने अभी बोला यार, मतलब अच्छा लगा मुझे। तो चलते हैं पहले नीचे और जाके पहले खुद का भी नाश्ता करते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और मिलते हैं आपसे वीडियो में। नाश्ता में हमारे लिए पड़ा हुआ है ऑमलेट और ब्रेड, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम लोग देसी लोग हैं, ब्रेड ब्रूड हमें खाना अच्छा नहीं लगता। हम लोग सीधा गोश्तखोर हैं, गोश्तखोर, हम सीधे जाएंगे गोश्त के पास, कहाँ मिलेगा हमें गोश्त, चलो देखते हैं। ले जी, नाश्ता मैं अपना बना रहा हूँ, शादी का फंक्शन गुजरा और अभी सालन वगैरह पड़ा हुआ था और वो आपके भाई का फेवरेट है, क्योंकि आपका भाई गोश्तखोर है, चिकन खोर है, गोश्तखोर है, बड़ा गोश्तखोर है, छोटा गोश्तखोर है। तो बस अभी मैं वो कर रहा हूँ गर्म, ओवन में मुझे गर्म करने की आदत नहीं है, ओवन के अंदर टेस्ट चेंज हो जाता है, तो मैं उसे चूल्हे के ऊपर गर्म कर रहा हूँ। वो गर्म करके फिर मैं नान फ्राई करूँगा, फिर आपके सामने नाश्ता ले लूँगा, फिर हम खेलेंगे बेला वगैरह के साथ, उनका नाम रखेंगे मिलके, और फिर आज से हम फुल इन्जॉय करेंगे। नहीं जी, मैं नहाया तो नहीं, लेकिन नाश्ता देख के मेरा तो दिल आ गया, मैंने कहा सबसे पहले मैं नाश्ता करूँगा फिर। तो अब चलते हैं अपने नाश्ते की तरफ जो कि मैंने बना लिया है, मतलब बनाया था गरम करके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका भाई नाश्ता क्या करने लगे है। ये है आपके भाई का नाश्ता, ये है मटन, ये है चिकन, ये बड़े गोश्त की चांप, ओ माय गॉड, साथ में दही और साथ में फ्राई किया हुआ नान, इसमें कलवंजी वाला नान भी है, इसमें धनिया वाला नान भी है, और साथ में आपका भाई पिएगा जूस। आई नो बहुत से लोगों के दिल में कुछ कुछ हो रहा होगा, वैसे नाश्ता कर रहा हूँ क्योंकि मैं लेट उठा हूँ और टाइम हो रहा है इस टाइम 2:25, तो समझे कि ये दोपहर का खाना है मेरा। और अब बस मैं आपके सामने टेस्ट करता हूँ, फिर मैं सही दबा के खाऊँगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, पहले मैं आपको दिखा दूँ। ले जी, इन सब में से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लग रहा है, वो लग रही है चांप। तो नान को करते हैं अभी टाटा बाय बाय और चांप को लेके आते हैं अपने पास। ये चांप और ये देखें, ये पूरी चांप है और इसको हम, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखें अंदर तक घल गई हुई है, ये चेक करें आप, ये देखना ये पूरी चांप गली हुई है माशाल्लाह। तो अब तोड़ लिया तो अब खा के भी चेक कर लेते हैं, ये चांप, और अब ये आपका भाई, ऐसी चाम मैंने कभी भी नहीं खाई, एक और दफा। हाँ, ये देखो, ये ओह मैं, बहुत कमाल की चाम है। अब रखते हैं इसको परे परे, अब लेके आते हैं मटन का सालन। असल हड्डी नजर आ रही होगी, चलो
मटन, साथ में इसका मसाला, ये और ये गया। और भाई एंड बार ये चिकन की कलवंजी वाला नान, और ट्राई करते हैं चिकन। चलो यार सारे ही दे देते हैं। ये ख्वाजा, ये चिकन का साना। हालांकि मैं बहुत जगह खाया घर में भी बाहर भी, लेकिन मुझे मटन से ज़्यादा मज़ा चिकन में आ गया यार। ये तो ट्रेजेडी हो गई है। चले ये तक खाना, मैं फटाफट खाना ख़त्म करके फिर आपसे मिलता हूँ। ले जी फ्रेश वगैरह मैं हो गया, नाश्ता मैंने कर लिया, और अब हम लेके आते हैं बिल्ली के बच्चों को और उनका रखते हैं प्यारा सा नाम। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसका फेस वाइट है ज़्यादा, इसकी आईज आप चेक करें इसका फेस, और इसका जो है ना फेस थोड़ा ब्लैक है। ठीक है, अब ये देखें जो इसको ऊपर बैठाता हूँ, जो ये है ना, इसका नाम जो मैंने रखा है वो रखा है लियो, और इसका जो नाम है ना, ये इसका नाम मैंने रखा है बेला। ठीक है, आज से ये बेला है। बेला हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। और ये है लियो। ठीक है, आज से ये मेरा पार्टनर है, ये हर जगह आपको नज़र आएंगे, और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स और भी लेके आएंगे, लेकिन बिल्ली के नहीं, और भी चीज़ों के। अब इनकी मस्तियाँ आप चेक करना, ये देखें शुरू हो गया मस्तियाँ करना। ये बस इनकी मस्तियाँ हो गई स्टार्ट, और इससे पहले ये ख़राब करे कुछ, इनको नीचे उतारता हूँ मैं। ये देखें बस ये देखो बेला, ये देखो इसको बस शो के ऊपर चढ़ने का। जी अब इसको उतारते ही देखिए किसका पकड़ा हुआ इसने। ठीक है, अब ये जो है ना बेला, ये बेला जो है इनमें से बड़ी है इन दोनों में से, और ये थोड़ा सा जो मारने में भी तेज़ है। ठीक है, तो इन इसकी तो पिक ले ले। बोलो हाय, बोलो बेला, बोलो हाय, बोलो हाय, बोलो एप्पल गो। ले जी आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और ये लोग आप देख ही रहे हैं कितना ये खेल रहे हैं, इनके नाखून वैसे लगते हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी आदत हो जाएगी, और इंशाल्लाह मेरी वीडियोस आप फुल देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। और तो चलते हैं अब अगली वीडियो में।